हे सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू गाज़ियाबाद ब्लूमिंग चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ कुछ DIY लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए कुछ मटेरियल हैं जो हमें DIY के लिए चाहिए। ये कुछ ग्लासेस हैं, कुछ बॉल्स हैं और डेकोरेशन का कुछ सामान है जो मैंने यहाँ पर आपको शो कर रखा है। और सामान डेकोरेशन का जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ही यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैं वैक्स का दिखाऊंगी तो कुछ वैक्स हैं और कुछ ग्लासेस और बॉल्स होना ज़रूरी है। बाकी जो भी सामान आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे कुछ DIY जो आज के वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर करे। और ये वाटर कैंडल्स हैं, वैक्स कैंडल्स हैं, पर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, इनसे आपके घर की रौनक कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये मेरी कोशिश थी एक कि आप लोगों के साथ कुछ DIY बनाऊं। और मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, लेकिन अपनी तरफ से जितना अच्छा बना सकती हूँ, जितनी कोशिश कर सकती हूँ वो मैंने की है। और वाकई में मुझे भी लग रहा है, ये देखने में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये अलग अलग तरह के आप अपने रूम में, टेबल पर, आप इन्हें कहीं भी सजा सकते हैं। जहाँ भी आप रखेंगे ये बहुत सुंदर लगेंगे। और अगर लाइट ऑफ होने के बाद में भी ये कैंडल जला के रखते हैं तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल
लग रही है, मल्टी कलर्ड, अलग अलग कलर में, अलग अलग लाइटिंग में, ग्लासेस में और बॉल्स में, जैसा भी स्पेस हो आप उस स्पेस के हिसाब से इनको डेकोरेट कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। और देखिए ये बहुत सुंदर लगेंगे, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत ज़्यादा इसमें डेकोरेशन के सामान की ज़रूरत नहीं है, जो भी सामान आपके पास घर में अवेलेबल है, कुछ पुराने ग्लासेस हैं, बॉल्स हैं, जो भी मटेरियल आपके पास रखा है आप उन सबका यूज़ कर सकते हैं। आज का वीडियो अपना यहीं ख़त्म करती हूँ, अपने नए वीडियो के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।